तो दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 150 रुपए तक बढ़ा दी गई है। सरकार पर हमला करने के लिए विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार को देश के आर्थिक हालात की समझ नहीं है। देश की आर्थिक मंदी को छिपाने के लिए सरकार गैर जरूरी मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। दिल्ली चुनाव खत्म हुआ और दिल्ली की जनता को महंगे एलपीजी का झटका लगा। दरअसल मेट्रो शहरों में इंडेन गैस के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 150 रुपए तक महंगे हो गए हैं। बढ़ी हुई कीमतों को आप कुछ ऐसे समझिए। दिल्ली में जो 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 714 रुपए में मिलता था, उसके दाम 144 रुपए 50 पैसे बढ़ गए हैं। अब दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 858 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। वहीं कोलकाता के ग्राहकों को 149 रुपए ज्यादा चुकाकर 896 रुपए की कीमत पर सिलेंडर मिलेगा। मुंबई में 145 रुपए बढ़कर सिलेंडर की नई कीमत 829 रुपए 50 पैसे हो गई है और चेन्नई में 147 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और यहां एलपीजी सिलेंडर 881 रुपए पर बिक रहा है। ये दाम बढ़ाने की मंशा इनको पहले से ही थी, सारे चीज छुपा के रखा। जब ये बजट पारित हो गए, तुरंत बाद बजट पारित होने के तुरंत बाद ये सारे दाम पे इजाफा कराया गया। इसका मतलब आज की तारीख में बजट पे आप भरोसा नहीं कर सकते। बजट पे आम लोगों को भरोसा टूटने वाला है। 2020 में दूसरी बार है जब रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। इससे पहले 1 जनवरी से गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में 19 रुपए का इजाफा किया गया था। एक साल के अंदर सिलेंडर 200 रुपए तक महंगा हो चुका है। 2014 के बाद एलपीजी सिलेंडर के दाम में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। विपक्ष बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेर रहा है, इसकी वजह भी है। लगातार छठे महीने खाने पीने की चीजें और महंगी हो गई हैं। जनवरी में भी खुदरा महंगाई दर में इजाफा हुआ है। जनवरी में महंगाई दर बढ़कर 7.59% पर पहुंच गई है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 7.35% पर थी। मई 2014 के बाद ये खुदरा महंगाई दर सबसे ज्यादा है। मई 2014 में खुदरा महंगाई दर 8.33% थी। ये सरकार को आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की संभालना आती ही नहीं। आर्थिक स्थिति इस देश की मरीज है, लेकिन इसके पास कोई डॉक्टर नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा रही है। विपक्ष देश की आर्थिक हालात को लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार आर्थिक मंदी को छुपाने के लिए बेवजह के मुद्दों को तूल दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।